नमस्ते दोस्तों, सुमिता किशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए मटर की दाल की रेसिपी लेके आई दोस्तों। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। मटर के दाल के साथ है सेम की सब्जी की रेसिपी, आज तक आप बनाई नहीं होगी, इस तरह से आप एक बार जरूर बना के देखें। सबसे पहले तो हम दाल को भिगो के रख दिया था, देखिए 2 घंटे के लिए, फिर धो के कटोरी में निकाल लिया है। अब एक कुकर ले लेंगे, कुकर के अंदर डाल देंगे दाल को, देखिए डाल दिया है दाल। अब हम पानी मिलाएंगे, इसे कप के मदद से हम 2 कप पानी मिलाया है। थोड़ी सी नमक मिलाएंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिलाएंगे, थोड़ी सी ऑयल डाल देंगे ताकि दाल हमारी ऊपर ना आए। अब हम कुकर को बंद करके 4 सीटी लगा लेंगे। जब तक हमारे दाल में सीटी आ रही है तब तक हम इसी तरह से सिम को रेडी कर लेंगे। इसी तरह से तोड़ना है हमें, हमने इसी तरह से रेडी कर लिया है और धो भी लिया है। अगर हमारी दाल में भी सीटी आ गई है, जब तक हमारी कुकर ठंडी हो रही है तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हम गैस पे चलते हैं, देखिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है और गैस भी ऑन कर दिया है। अब हम ऑयल डाल देंगे, 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, ऑयल को गर्म होने देंगे। देखिए ऑयल हमारी गर्म हो गई है, अब हम सिम को हम फ्राई करेंगे। थोड़ी सी नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया है, अब हम कवर करके फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे और बीच बीच में चला देंगे। चलिए अब चेक करते हैं, देखिए कितनी बढ़िया फ्राई हो गई है। अब हम निकाल लेंगे, देखिए जैसे ऑयल और डाल देंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारी गर्म हो गई है, 2 लाल मिर्च डाल देंगे, 1 तेज़पत्ता तोड़ के डाल देंगे, 2 चम्मच जीरा डाल देंगे, चटकने देंगे। जीरा रेडी हो गई है, अब हम 1 प्याज डाल देंगे, काट के लिया है। 1 मिनट के लिए हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। हम मसाला रेडी किया है, अदरक लहसुन हरी मिर्च और 2 टमाटर काट के लिया है, वो डाल देंगे। डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के धो के डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब हम मसाले मिलाएंगे, अनुसार नमक मिलाएंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर मिलाएंगे और लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे 1 चम्मच। अब हम मिक्स कर देंगे, अब हम कवर कर देंगे। जब तक ऑयल ना छोड़ दे तब तक हम पका लेंगे। जब तक मसाला रेडी हो रही है तब तक हम दाल को चेक करते हैं। देखिए दाल हमारी गल गई है, अब हम चम्मच के मदद से इसी तरह से मैश कर देंगे। देखिए दाल हमने इसी तरह से रेडी कर लिया है, अब हम मसाले को चेक करते हैं। चलिए अब मसाले को चेक करते हैं, देखिए मसाले में से ऑयल छोड़ दिया है। मिक्स कर देंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया है, अब जो सेम फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। मिक्स कर देंगे, गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। कर दिया है, अब दाल को डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया है, अभी तो गाढ़ी लग रही है, थोड़ा सा पानी और मिला लेंगे। अब हम एक बॉयल आने देंगे, देखिए दाल में हमारी बॉयल आ गई है। अब हम कवर करके 5 मिनट पका लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। चलिए अब चेक करते हैं, 5 मिनट बाद मिक्स कर देंगे, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। आप इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताएं ये दाल की रेसिपी आपको कैसी लगी है। थोड़ी सी हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब हम गैस को बंद करके सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों दाल हमने रेडी कर लिया है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी बढ़िया बनी है। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कितनी टेस्टी और कितनी लाजवाब दाल बनती है। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।